सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रोजाना खाना इन हिंदी को और प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजाना खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों बनाने जा रही हूँ घिया का रायता, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है और ये पीने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा घिया का रायता। तो ये देखिए, हम 1 लीटर दही को फेंट कर ले लिए हैं और 1 छोटा बाउल बूंदी ले लिए हैं रायता वाला। और ये देखिए, हम घिया को बारीक काट लिए हैं छील कर, इस तरह से 250 ग्राम घिया हमारा है। 1/4 चम्मच हम लाल मिर्च लिए हैं और 1 चम्मच काला नमक। अगर रायता आप स्पाइसी पसंद करते हो तो 2-3 लाल मिर्च भी ले लें। और 1 चम्मच साबुत जीरा, तड़के में जाएगा मिर्च और जीरा, और 1 पिंच हींग। ये देखिए, हम घिया को धो लिए हैं, ऐसे हम कुकर में डाल ले रहे हैं और 1/4 गिलास हम पानी डालेंगे इसमें, ज्यादा नहीं। घिया को हमें बॉईल करना है 2 सीटी और 1 पिंच हम काला नमक इसमें डाल देंगे कि घिया हमारा अच्छा से गल जाए। और मीडियम फ्लेम पे हम घिया को चढ़ा देंगे बॉईल करने के लिए। और ये देखिए, हम 2 सीटी लगवा लिए थे घिया को, अभी प्रेशर खत्म हो गया, उसके बाद हम खोल रहे हैं। घिया हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है तो हम इसे दही में डाल लेंगे। ये देखिए, हम सारा घिया डाल लिए दही में। और हमें चाहिए थोड़ा सा, 1 चम्मच कोई सा भी तेल, जिसमें हम तड़का तैयार करेंगे। रायता में तड़का ऑप्शनल है दोस्तों, आपका मन चाहे तो तड़का लगाएं, वरना बिना तड़का कभी बनता है रायता। जीरा और हींग इसी में हम डाल लेंगे और मिर्च को भी डाल लेंगे इसी में, और हल्का से इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारा तड़का तैयार है, तो हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा तड़का ठंडा हो गया है हल्का, उसके बाद हम सावधानी से डालेंगे क्योंकि गर्म में फटकता है अपने ऊपर, तो सावधानी से डालें। अब इसी में डालेंगे हम 1/4 चम्मच जो लाल मिर्च लिए थे, अगर आप तीखा पसंद करते हो तो डाल लें, और बूंदी जितना आपको पसंद हो, मैं आधा बूंदी डाल रही हूँ, और स्वाद अनुसार नमक, काला नमक है ये, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और ये देखिए, हमारा स्वादिष्ट रायता बनके बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो मैं अब सर्व करके दिखाती हूँ आपको, बहुत ही अच्छा रायता बना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा रायता बनके बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो मैं यहाँ पर चिल्ड लस्सी ली थी, आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब भी डाल के सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल ठंडा ठंडा, आपको जैसा पसंद हो वैसा सर्व करें। तो आप भी इसी तरह से बनाए रायता। अगर आपको हमारी रायता का रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का आइकन है दोस्तों, उसे जरूर क्लिक करें। और अब हम मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। हमारी बनाई गई अन्य रेसिपी को देखने के लिए दिए गए लिंक पे क्लिक करें।